पांच ऐसी टीम जो कि इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में डार्क हॉर्स का रोल निभा सकती है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए 2018 के वर्ल्ड कप में क्रोएशिया एक प्राइम एग्जांपल है, जिन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया था। अब पहली टीम आती है पर यूरोगे, जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स और बेस्ट मिक्स है बिटवीन ओल्ड एंड यंग का। यहाँ पर डेफिनेटली नजर होगी एडिसन कवानी, लुइस सुआरेस पे, लेकिन मोर सो यहाँ पर रोनाल्डो अराउहो, फेडरिको वाल्वर्डे और यहाँ पर डार्विन नूनेज़ जैसे प्लेयर्स पे भी नजर होगी। एंड डेफिनेटली भाई पोर्चुगल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी टीम आती है यहाँ पर सेनेगल। अब देखो सेनेगल डेफिनेटली यहाँ पर अफ्रीका के लिए बेस्ट बैट है वर्ल्ड कप में, लेकिन यहाँ पर सादियो माने के बाहर होने के बाद यहाँ पर एक सेटबैक लगा है। तीसरी टीम आती है यहाँ पर नेदरलैंड। पिछले काफी टाइम से यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा है, लेकिन अब लुई वैन गाल के अंडर एक अपर ट्रेजेक्ट्री देखने को मिल रही है। चौथी टीम आती है पर डेनमार्क। एंड डेफिनेटली यहाँ पर उनके पास की प्लेयर्स हैं जो कि की पोजीशंस पे किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। पांचवी टीम है जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते और वो है यहाँ पर सर्बिया। यहाँ पर मित्रोविच है, लाहोविच है, सर्ज मिलिंकिनोविच है और उसके बाद कॉस्टिच है। डेफिनेटली यहाँ पर दे हैव द प्लेयर्स।